नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी रांची में आगामी दिनों पासवा की ओर से स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी राजधानी रांची में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई। इस प्रेस वार्ता में पासवा के प्रदेश सहित राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने प्रेस को संबोधित किया। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन एसोसिएशन के द्वारा आगामी 10 जुलाई को रांची के खेल गांव स्थित स्टेडियम में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें तकरीबन 15,000 पंजीकृत छात्र छात्राओं को एक कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया जाएगा। पासवा की ओर से अब तक करीब 2,00,000 बच्चों को सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रकार का सम्मान समारोह का आयोजन के पीछे का हमारा उद्देश्य है कि जब स्कूली छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें किसी मंच के द्वारा सार्वजनिक रूप से सम्मान नहीं मिल पाता, और इस प्रकार के आयोजन से जब उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मान मिलता है तो छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी काफी खुशी होती है। आज 2 दिन पहले पहुंच गए हैं और उद्घाटन करेंगे समारोह का, प्रतिभा सम्मान समारोह का। पासवा के मुख्य संरक्षक और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी इस पर विशेष स्नेह बना के रखते हैं और बच्चों को वो सम्मानित करेंगे, क्योंकि उनका बड़ा एकेडमिक कैलेंडर भी रहा है। साथ ही साथ हमारे युवा कार्य मंत्री खेलकूद एवं अल्पसंख्यक मामलों के आदरणीय हफीजुल हसन साहब रहेंगे, माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी रहेंगे और कई शिक्षाविद भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। 8 बजे से सुबह 10 बजे तक ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। 10:30 बजे बच्चों के सांस्कृतिक और स्वागत कार्यक्रम के साथ इसकी विधिवत दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन होंगे। बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट और अंगवस्त्र से सम्मानित किया जाएगा। बच्चों के भोजन की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है, तो 80% और उससे ऊपर के बच्चे CBSE, ICSE, जैक बोर्ड के इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। स्कूलों के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मेल्स भेजे गए हैं और इंडिविजुअल भी हजारों बच्चों ने, हम लोगों ने जो व्हाट्सएप और मेल आईडी जारी किया था उसके माध्यम से लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। इस समारोह में भाग लेने के लिए पासवा के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और मैं समझता हूं कि हम लोगों ने एक अच्छी तैयारी की है। पूरे खेल गांव को जो है पोस्टर, बैनर, होर्डिंग से सजाया गया है। बच्चों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं, बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं, उसका विशेष ध्यान रखा गया है। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 10-12 वर्षों तक अपने बच्चे को अध्यापन कराने के बाद वो बच्चे जब इतने बड़े मंच पर जाते हैं तो उनके अंदर में और उनके पेरेंट्स के अंदर में एक अदम्य उत्साह होती कि हमारा बच्चा, और यकीनन ये बच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, भारत के भविष्य हैं, और इनको इनकरेज करना मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं हो सकता है। तो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम आप सबको भी आमंत्रित करते हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह 10 जुलाई को खेलगांव में होने जा रहा है, जिसमें झारखंड बोर्ड के, CBSE बोर्ड के, ICSE बोर्ड के और दूसरे NIOS बोर्ड के जो बच्चे 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं उनको एसोसिएशन सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मानित करेगा। इस अवसर पे पूरे झारखंड से लगभग 15,000 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और मुझे लगता है कि पूरे देश में ये सबसे बड़ा आयोजन 10 जुलाई को होगा, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में बच्चे शामिल होंगे। साथ ही साथ जो बच्चे टॉपर हैं उनको कैश प्राइज़ भी दिया जाएगा, जिस अपने अपने बोर्ड में हैं। और 2011 से प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन हर वर्ष इन बच्चों को सम्मानित करता चला आ रहा है और अभी तक 2,00,000 से ज़्यादा पूरे देश भर में 10th एंड 12th के बच्चों को
प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। ये बच्चे जो सम्मानित होते हैं वो उनके पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है कि 10 साल तक वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े मेहनत से पढ़ाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनके बच्चे 10th में 12th में अच्छा मार्क्स लाएंगे। और जब उनको रिज़ल्ट मिलता है तो वो रिज़ल्ट लेकर करके बच्चे अपने घर चले आते हैं और पेरेंट्स अपने अड़ोस पड़ोस या अपने रिलेटिव को मिठाई विठाई खिला कर करके अपने आप को खुशी महसूस करते हैं। लेकिन उसी पेरेंट्स जब अपने बच्चों को एक बड़े स्टेज पर जहाँ हज़ारों बच्चे और हज़ारों पेरेंट्स वहाँ मौजूद होते हैं और उन बच्चों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तब पेरेंट्स को ये समझ में आता है कि 10 साल और 12 साल हमने अपने बच्चों को जो पढ़ाया उसका जो रिस्पांस जो पूरे स्टेट के बच्चों के टॉपर्स के बच्चों के बीच में जब उनके बच्चों को सम्मानित किया जाता है तो उस वक्त आप देखेंगे उन पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ जाता है। उनको लगता है कि हमने जो 10 साल और 12 साल अपने बच्चों के ऊपर मेहनत किया आज उनका वो मेहनत पूरा होता है। तो ये काम प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 11 वर्षों से कर रहा है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस तरह के जो हमारे प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन का लोग वर्षों से इंतज़ार करते हैं। उनको एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा जब टॉप करेगा तो हज़ारों बच्चों के बीच में स्टेज पर चढ़ करके हमारे बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा।